कपिल पटवारी ने ग्राम धोरिया में धोखाधड़ी कर दूसरे को नपवादी जमीन, वृद्ध ने कलेक्टर से लगाई गुहार। साहब, मैं अपने परिवार के साथ शादी में गया हुआ था, इस बीच पटवारी ने उसकी कृषि भूमि किसी दूसरे को नपा दी, उसका नाम शासन के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया, इसलिए मामले में कार्यवाही की जाए और भूमि को उसी के नाम पर किया जाए। फूल सिंह पुत्र बाबू सिंह आदिवासी निवासी ग्राम घोरिया तहसील पोहरी ने बताया कि उसके स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम धोरिया तहसील पोहरी में स्थित है। इसका सर्वे नंबर 2266 रकबा 1.68 हेक्टेयर है। फूल सिंह ने बताया कि उसकी जमीन पर गांव के पटवारी के द्वारा नरेश शर्मा पुत्र नाथूराम शर्मा के द्वारा झूठा गलत सीमांकन करवाकर अपने नाम शासन के राजस्व में अभिलेख में दर्ज करवा दिया है, इसलिए भूमि सर्वे नंबर का दोबारा सीमांकन और राजस्व अभिलेख में मेरे नाम दर्ज किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह। कहाँ से आए हो? दौरिया से। क्या समस्या लेके आए जी? जमीन की समस्या है। क्या जी? जी पंडित ने जबरदस्ती जुतवा ली। क्यों? नपवाली। किससे नपवाली? वो पटवारी कपिल पटवारी भटरावर का। जमीन किसके नाम है? जमीन में ना है, पट्टा है मेरे पास, किताब है, सब कुछ है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी 9 बीघा करीबन है। तो उसने कितनी नपवाली? 7 बीघा नपवाली। 7 बीघा उसके नाम कर दिया? हाँ, जोगेश के नाम, पंडित जोगेश ने पैसे के जरिए से बाने पे नाम आपको आज नपवाले। आपने कहीं साइन वगैरह तो नहीं किए थे? नहीं नहीं नहीं, कोई साइन वगैरह नहीं। दो मेरे पास आया, मैंने कही देख बेटा मन मार के और तू जोत ले जो, तेरा ट्रैक्टर चलेगा, हम सो जाएंगे तेरे ट्रैक्टर के नीचे, हमें तुझसे कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। बान लाला जी ने और गिरदा वाले नपाइए, बे दारू पी रहे हैं और रुपये लेने वाले हैं, पैसे वैसे लेके नपाइए। क्या और कहा? पैसे लाए मेरे पैसे? कितने पैसे लिए? वो पता नहीं मेरे सामने कोई बातचीत नहीं भाई, लेकिन पटवारी के नाम वो है कपिल बटनावर का बनिया। हाँ, तो आपसे क्या कह रहा है? बोलो करो, थी तो है ही नहीं जमीन तेरा, कुछ रूट वूट है ही नहीं। आपकी कब से वो जमीन? मेरी तो जन्म से है, आज तक मैं कब आ रहा हूँ। हाँ, आपके पुरखों की जमीन? हाँ, हमारे पुरखों की जमीन है। कितनी टोटल जमीन थी? जो 32 बीघा है। हाँ, तो हमने भैया ने अपने अपने बांट ली है, चार पट्टे 8-8 बीघा के, और हम चारों कर रहे हैं, खा रहे हैं मस्त, कोई बात का टेंशन नहीं था। जो तो आज जो 10 दिन हो रहे हैं जब से ही गड़बड़ उठा। तो गए थे तब आपको कैसे जानकारी लगी थी? जो तो गांव वाले ने कही भी घुटना पवा दे गए थे। मैं अपने ससुराल था, अपने साली के यहाँ। काफी बात है जे जी, करीबन नहीं तो 5-7 तारीख की बात है। ससुराल क्यों गए थे आप? अब मेरी साली की लड़की की शादी थी, शादी में गए थे, परिवार गया था। हाँ।